अभी आप व्यू देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ वॉक्सहोम आइलैंड जो कि स्वीडन के अंदर है और तकरीबन आधे एक घंटे का सफ़र है स्टॉकहोम से वॉक्सहोम आइलैंड जहाँ पे मैं खड़े होकर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। और यहाँ से हम एक सामने एक दूसरी तरफ एक आइलैंड है उस तरफ का सफ़र और मैं कैसे जाता हूँ, कौन सी फेरी है एंड मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जब भी आप आएँ तो आप भी ऐसे आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इन्होंने बनाई है आपको सारी समझ आ जाएगी कि एक्चुअली यहाँ पे कैसे मैंने ट्रैवल किया, डिफरेंट आइलैंड्स मैंने कैसे देखे। आप मेरी गुजरी वीडियोस भी देखें, आपको सारी समझ आती जाएगी। बहुत ज़बरदस्त है और बहुत इंजॉयबल टाइम आपका यहाँ पे गुजरता है। मैं अपनी वीडियो अगर ऐसे बनाऊँ ना तो आप लोगों को सिर्फ मेरा चेहरा नज़र आएगा, व्यू नज़र नहीं आएगा। तो व्यू देखने के लिए डेफिनेटली आप लोग वीडियोस देख रहे हैं मेरा ट्रिप, तो इट्स बेटर कि मैं ऐसा कैमरे ना रखूं तो बैक कैमरा ऑन करूं, इट्स बेटर। यहाँ पे और ट्रैक है और मैं शायद कि मैं गलत ट्रैक पे वॉकिंग करके आगे जा रहा हूँ। वो लिखा हुआ है चार ट्रैक, अगर आप पढ़ सकें। यहाँ पे अब ट्रैफिक आने शुरू हो गई है, ठीक है देखते जाएं। ये दूसरा बच्चा आ गया, ये तीसरा, अब गाड़ियां आ रही हैं। ठीक है ये ट्रैक, जैसे ये 1 2 3 4 ये है फेरी और ये ज़रा सा भी हिल नहीं रहा कि इस पे वज़न आ रहा है, ये गाड़ियाँ इंटर हो रही हैं, शेक नहीं कर रहा और कितनी तमीज़ के साथ बिल्कुल सीधा लगा रहे हैं गाड़ियों को। जी ये है रोड रिप्लेसमेंट फेरी, ठीक है, जो गाड़ियां लेके जा रही है वॉक्सहोम, ठीक है इसका नाम, ये गांव है। कितना प्यारा इनका निज़ाम है, कितना प्यारा इनका निज़ाम है, तरतीब है। यूरोप में स्वीडन, आपको काफ़ी जगह स्वीडन का झंडा भी नज़र आ रहा होगा के एक साइड से दूसरी साइड पे जाने के लिए समंदर का रास्ता, जो समंदर की गलियां हैं या समंदर का पानी अंदर आया हुआ है, तो ये हज़ारों साल से जब से बना है तब से ऐसे ही है। तो इन्होंने ये रिप्लेसमेंट के लिए कि गाड़ियां इधर से उधर जा सकें, एक लाइन से इधर से उधर जा सकें, ये गांव है, बड़ा प्यारा गांव है वॉक्सहोम, ये गांव है। और ये कैसल है, ये वाला मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये बहुत फेमस कैसल है,
ठीक है, बहुत फेमस, ठीक है, और इसकी अलग से वीडियो है, ओके, तो वो मैं पोस्ट करूँगा, अगर मुझे याद ना रहा तो आप याद करवा देना ताकि मैं पोस्ट कर दूँ टाइम से। इसकी अंदर की वीडियोस की रूफ टॉप से बहुत प्यारी वीडियोस एंड पिक्चर्स आई हैं मेरी, मैं वो भी शेयर करूँगा। और ये समंदर का पानी है, ये कोई नहर या लेक या कुछ ऐसा नहीं है, ओपन सी नहीं है सर, जजीरों को मिलाने के लिए। हाँ जी, चंद जजीरों के दरमियान जो ऐसा समुद्री रास्ता होता है उसको बोलते हैं शिपे होल, तो होल होता है, तो ये होल अब ये रिप्लेसमेंट रोड है एक, जिस करके हम जा रहे हैं, आप सामने आपको बस निकाल रहे हैं। हाँ जी, वहाँ तक जाएगी, उसके आगे रोड का थोड़ा सा 4-5 मिनट की ड्राइव है, फिर आगे एक और जजीरा है, उसको जब मिलाएंगे तब वहाँ से पीछे से वो बिल्कुल ज़मीनी रास्ता है जो कि वहाँ पीछे घूम के आपको उस तरह ले जाएगा। तो ये देखिए जो जाएंगे रहते हैं उनके लिए एक क्या नहीं बाई सर अहमद है, उनके लिए कम्युनिकेशन का आसान जरिए उन्हें बताया हुआ है, तो हार्डली वहाँ से एक तकरीबन 5 मिनट का ये रास्ता। हाँ, ये जितनी वीडियो बन रही है आपके सामने बात करते करते वीडियो देखते देखते डेस्टिनेशन पहुँचना है, ठीक है, कि जितनी गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो एंड तक सड़क की तरह, तो ये उस जगह से हम आए हैं। हाँ, वहाँ से आए रास्ते में, ये भी जो कसल है वो भी एक आइलैंड पे है, तो यहाँ ज़मीनी रास्ता मुमकिन नहीं है, वो सिर्फ बोट से मुमकिन है, उसके बाद यहाँ वो सामने जाना, वहाँ फिर लाइन लगेगी और फिर यहाँ आपको जो है दिखाया जाएगा कि कौन सा ट्रैक पहले खुलेगा, पहले वाटर फॉर्म खोलेंगे, उसके बाद साइड ऑफ जो सेंटर में रहेगा फिर उनको खोलेंगे, तो फिर लोग जिन्हें आगे जाना है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो लोग इस जजीरे पर रहते हैं वो यहीं से दाएं बाएं हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, और ये है स्वीडन, बहुत खूबसूरत है, बहुत दिलकश, यहाँ पर आप जितनी देर भी रुकेंगे आपको दिल नहीं करेगा, आपको दिल करेगा सिर्फ मैं देखता रहूँ, देखते कैसल। हाँ, वो देखें, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये व्यू यूट्यूब पे या सीनरी या पिक्चर्स पे ये व्यू नजर नहीं आएगा, ये है कैसल वॉक्स होम, वॉक्स होम कैसल, ये गाँव है, ये फेरी यहाँ से लग रही है, ठीक है, अब मुझे इस लाइन से आगे नहीं जाना, ठीक है, क्या गाँव है यार कसम से, वो जो पीछे है ना, वो जो देखिए वो जो लाइट शो कर रहा ना, वो 270 रोड है, उसकी ये रिप्लेसमेंट है। हाँ, ये रोड, हाँ, जहाँ से ये रोड चला है वहाँ से ये रोड यानी कनेक्ट किया है, और ये फ्री है, कोई टोल टैक्स नहीं है, कोई टोल टैक्स नहीं है, कोई कौन सा जिला कौन सा कोई कुछ नहीं, कोई एफएफबीओ, कोई स्टार, कोई कुछ भी नहीं है, फ्री है, और यहाँ की जो उनसे सिस्टम है इतना अच्छा है कि ये पेट्रोल भी, ये देखें, ये लगी ठाकर के आवाज़ आई तो नहीं सही, आई लगी कहा था ना, चलिए अब आगे जाके दिखाता हूँ। चलो जी,
अच्छा इसका नाम भी वॉक्स होम अच्छा स्टार्क स्टारोंग एंड पब ये है जी जजीरे का नाम है जी स्कार्प तो जो है सिर्फ उनके ऊपर दो नुकते ये है आइलैंड भी इस्तेमाल होता है स्वीडिश में ये स्कार्प इस तरफ है और जिससे आगे 274 रोड आगे फिर फेरी लेनी है वो इस तरफ से जा रहे हैं ये आगे और ये बस भी उनके पे जाएगी आगे यहाँ से जाने के लिए गुस्ताफ्स बेरी या गुस्ताफ्सबर्ग जो इलाका है ये गाड़ियाँ आगे जाके फिर फेरी के साथ कनेक्ट होकर तो उस तरफ जाएंगी ठीक है यानी कि जैसे हम आए हैं ये वाला रोड दूसरी फेरी तक लेके जाएगा ठीक है